देश में लॉकडाउन जारी है। सरकार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए यह फैसला लिया गया, लेकिन सरकार के इस फरमान की कुछ लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। अक्सर आम जनता पर लॉकडाउन तोड़ने के आरोप लगते हैं। हालांकि यह कहने से हमारा मतलब यह नहीं है कि आम जनता को लॉकडाउन का उल्लंघन करना चाहिए, बल्कि हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक मामले में आरोपी कपिल वाधवान की। दरअसल वाधवान पर उनके परिवार समेत 22 लोगों के साथ महाबलेश्वर जाने का आरोप है। मालूम हो कि लॉकडाउन को देखते हुए सभी मंदिर मस्जिद बंद हैं। लोगों को मंदिर जाकर पूजा करने या मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। लेकिन इसी लॉकडाउन के बीच वाधवान VVIP पास का इस्तेमाल करके महाबलेश्वर घूमने निकल जाते हैं, जो कि काफी हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि इन लोगों के पास महाराष्ट्र गृह विभाग के विशेष सचिव और एडिशनल DGP अमिताभ गुप्ता की एक चिट्ठी है, जिसमें उन्हें फैमिली इमरजेंसी का हवाला देते हुए महाबलेश्वर जाने की इजाजत दी गई है। जैसे ही मामला सामने आया, विपक्ष ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए। मामले की जांच की गई तो पता चला कि वाधवान को VVIP ट्रीटमेंट दी गई है। सरकार की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि वाधवान परिवार को कोई पारिवारिक इमरजेंसी है, जिसके कारण उन्हें महाबलेश्वर जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन जांच में ऐसी किसी भी इमरजेंसी का पता नहीं चला है। जब पुलिस ने वाधवान से महाबलेश्वर आने के कारण पूछा तो उनकी ओर से एक चिट्ठी दिखाई गई। ये चिट्ठी महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमिताभ गुप्ता की थी, जो 8 अप्रैल को जारी की गई थी। फिलहाल वाधवान के परिवार के लोग और यार दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया। मालूम हो कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे अधिक मामले देखे गए, ऐसे में राज्य प्रशासन द्वारा इस तरह की लापरवाही और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। एक तरफ राज्य सरकार लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा व्यक्ति विशेष को VVIP ट्रीटमेंट देना उचित नहीं है। आपको बता दें कि कपिल वाधवान और धीरज वाधवान को DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड व यस बैंक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ED ने समन भेजा था। 17 मार्च को दोनों को ED के सामने हाजिर होना था, लेकिन कोरोना के खतरे को लेकर वह हाजिर नहीं हुए। लेकिन लॉकडाउन के बीच महाबलेश्वर घूमने निकल गए। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।